और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां मुंबई में शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे का धड़ा है, उन्हें शिवाजी पार्क में रैली करने का, दशहरा रैली करने की उन्हें इजाजत मिल गई है। कोर्ट ने कहा है कि जो पेटिशनर्स हैं वो 2 से 6 के बीच ये रैली कर सकते हैं। कानून व्यवस्था बनाना उनकी जिम्मेदारी है, यानी 2 अक्टूबर और 6 अक्टूबर के बीच रैली 5 अक्टूबर को होगी। दशहरा रैली की इजाजत मिल गई है मुंबई के शिवाजी पार्क में। बड़ी खबर और बड़ी जीत। मेरी सहयोगी विद्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। विद्या, आप हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में विस्तार से बताइए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ी जीत, विरासत की जीत के रूप में देखा जाएगा इसे। जी बिल्कुल, और इसी वजह से एकनाथ शिंदे का जो धड़ा है वो भी कि ये आदेश नहीं पारित होना चाहिए इस मामले में, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको साफ कह दिया कि हम राजनीति में नहीं घुसने वाले हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि बीएमपी ने जो आदेश पारित किया है 21 सितंबर को, वो सही आदेश था कि नहीं था। उन्होंने कहा कि इस पूरे आदेश में, क्योंकि अगर आप देखें तो इस पूरे मामले में जो एप्लीकेशन है बीएमसी के में जो फाइल की गई थी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से, वो 2 एप्लीकेशन थे जो अगस्त 22 और अगस्त 26 को फाइल की गई थी, लेकिन इतने दिनों तक बीएमसी ने कुछ नहीं किया। जिस दिन ये याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल हुई थी, उस दिन उन्होंने जाके एक जल्दबाजी में एक ऑर्डर पास किया, और वो भी आप देख लीजिए, अदालत ने यही कहा कि बीएमसी एक आदेश देता है मुंबई पुलिस को, मुंबई पुलिस भी उनको एक रिपोर्ट देती है, और उस रिपोर्ट के आधार पे ये पूरा एप्लीकेशन खारिज हो जाता है, और ये सब काम हुआ है सिर्फ 2 घंटे के अंदर। तो अदालत का यही कहना था कि ये जो बीएमसी का जो आदेश है वो बोनाफाइड नहीं है, उनके जो एक्शन है वो सही नहीं लग रहे हैं, और उसी आधार पे इस फिलहाल इस जो बीएमसी ने रिजेक्शन का जो ऑर्डर पास किया था उसको दरकिनार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे का जो धड़ा है उन्हें ये रैली होल्ड करने के लिए अक्टूबर 5 को समय दे दिया गया है उनके। जी, तो 2 से 6 के बीच में जो समय दिया गया था, तो 5 तारीख को यानी 5 अक्टूबर को ये रैली होगी। बहुत बड़ी ये रैली होती है, और एक तरह से इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जाता है। विद्या, तो किस तरह की रैली की तैयारी थी वैसे उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली शिवाजी पार्क में? देखिए, सबकी नजरें इसी बात पे थी कि अगर उद्धव ठाकरे, अगर मान लीजिए वो एक्चुअली रैली करते हैं, तो क्या उनके समर्थन में उनके लोग आ पाएंगे, क्योंकि आधा से ज्यादा जो एमएलए कैंप है उनका वो तो बट चुका है, वो एकनाथ शिंदे के कैंप में है, तो वो क्या लोगों को जमा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन अक्टूबर 2 से और तैयारियां शुरू कर सकते हैं, जो शिवाजी पार्क है उसको रैली के लिए तैयार करने के लिए कम से कम उनके पास 3 दिन का समय है, और 2 से 5 तारीख तक तैयारी होगी, 5 तारीख को रैली होगी, 5 तारीख से 6 तारीख के बीच में जो ग्राउंड है उसे वापस खेलने लायक बनाना होगा, क्योंकि ये प्ले ग्राउंड है शिवाजी पार्क, वो एक रैली का ग्राउंड नहीं है, शिवाजी पार्क एक प्ले ग्राउंड है, इसलिए उसे प्ले ग्राउंड का वापस देना होगा। तो यही आदेश देते हुए अदालत ने यह भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे खेमे के लिए एक बड़ी जीत। विद्या इस बड़ी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ी। विद्या, बहुत बहुत धन्यवाद।